हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि वो मेरे लिए ये सब क्यों कर रही है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वंडरिंग व्हाई शी इज़ डूइंग ऑल दिस फॉर मी। आई एम वंडरिंग वाई शी इज़ डूइंग ऑल दिस फॉर मी। मैं सोच रहा हूँ कि वो मेरे लिए सब क्यों कर रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और कोई लड़की है जो अजनबी है, जिसे नहीं जानता, वो इसकी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। तो यहाँ पर ये बैठा हुआ सोच रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि, तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए यूज़ करेंगे आई एम वंडरिंग। आई एम वंडरिंग वाई शी इज़ डूइंग ऑल दिस फॉर मी। मैं सोच रहा हूँ कि वो मेरे लिए सब क्यों कर रही है। मेरा मतलब वो मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई मीन शी इज़ नो रिलेटिव ऑफ माइन। आई मीन शी इज़ नो रिलेटिव ऑफ माइन। मेरा मतलब वो मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है। आई मीन शी इज़ नो रिलेटिव ऑफ माइन। वो ना तो मेरी दोस्त है और ना ही जान पहचान की। इस इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ नीदर माई फ्रेंड नोर माई एक्वेंटेंस। शी इज़ नीदर माई फ्रेंड नोर माई एक्वेंट, यानी वो ना तो मेरी दोस्त है और ना ही जान पहचान की। शी इज़ नीदर माई फ्रेंड नोर माई एक्वेंटेंस। अगर वो मेरी दुश्मन निकली तो यहाँ पर बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या होगा अगर वो मेरी दुश्मन निकली, यानी कि अगर वो मेरी दुश्मन निकली तो। जब भी इस तरह के सेंटेंस हमें बोलने हो, मैंने पहले बताया है, हम इसकी शुरुआत करते हैं वॉट इफ से। तो यहाँ पर होगा वॉट इफ शी टर्न्स आउट टू बी माई एनमी। वॉट इफ़ शी टर्न्स आउट टू बी माई एनमी, कह रहा है कि अगर वो मेरी दुश्मन निकली तो। ऐसे इस तरीके से भी कह सकते हैं क्या होगा अगर वो मेरी दुश्मन निकली तो। वॉट इफ़ शी टर्न्स आउट टू बी माई एनमी, जब तक मुझे पता ना चल जाए वो कौन है। कह रहा है कि अनटिल आई फाइंड आउट हु शी इज़। अनटिल आई फाइंड आउट हु शी इज़, यानी जब तक मुझे पता ना चल जाए वो कौन है। अनटिल आई फाइंड आउट हु शी इज़, और वो क्या चाहती है। एंड वॉट शी वॉन्ट्स। एंड वॉट शी वॉन्ट्स, और वो क्या चाहती है। एंड वॉट शी वॉन्ट्स, मुझे बहुत सावधान रहना होगा। आई हैव गॉट टू बी वेरी केयरफुल। आई हैव गॉट टू बी वेरी केयरफुल, यानी मुझे बहुत सावधान रहना होगा। आई हैव गॉट टू बी वेरी केयरफुल, मैंने फैसला कर लिया है मैं इस साल ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा। हर साल ही ऑस्ट्रेलिया जाता है काम से, तो कह रहा है कि आई हैव डिसाइडेड, यानी मैंने फैसला कर लिया है। आई वॉन्ट गो टू ऑस्ट्रेलिया दिस ईयर, मैं इस साल ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट गो ऑस्ट्रेलिया दिस ईयर, मैं तो नहीं जाऊंगा और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट गो एंड नीदर शुड यू। तो जब भी बाद में इस तरीके से होता है, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए, तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए जो भी होगा जिसमें चाहिए आ रहा हो एक सेंटेंस बोलने के बाद दूसरे में, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए, मुझे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा भी नहीं बिगड़ना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर ही बोल रहा है मैं तो नहीं जाऊँगा, तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। तो जब भी इस तरीके से होता है तो एंड लगा के हम नीदर शुड यू का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है आई वॉन्ट गो, यानी मैं तो नहीं जाऊँगा, एंड नीदर शुड यू, और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। मैंने लोन लिया, इसने बैंक से लोन लिया, लोन निकाला मतलब, तो कह रहा है कि आई टुक आउट अ लोन। आई टुक आउट अ लोन, तो लोन लेने के लिए हम टेक आउट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि आई टुक आउट अ लोन, यानी मैंने लोन लिया क्योंकि मैंने लोन लेना ज़रूरी समझा। सो फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा बिकॉज आई फाउंड इट नेसेसरी टू गेट अ लोन। बिकॉज आई फाउंड इट नेसेसरी टू गेट अ लोन, क्योंकि मैंने लोन लेना ज़रूरी समझा। बिकॉज आई फाउंड इट नेसेसरी टू गेट अ लोन, सिर्फ यही ऑप्शन बचा था मेरे पास। कह रहा है कि इट वॉज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू मी। इट वॉज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू मी, यानी मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा था। इट वॉज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू मी, अगर मैं ना करता जो मैंने किया। कह रहा है कि जो मैंने किया अगर मैं ऐसा ना करता, इफ़ आई हैडन डन वॉट आई डिड। If I hadn't done what I did. So friends, यहाँ पर if के बाद कौन सा sentence use हो रहा है, past perfect का, और ये हम तभी use करते हैं जब हम third conditional sentence बोल रहे हों। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि if I hadn't done what I did, अगर मैं ना करता जो मैंने किया तो मैं वो सब खो देता जो मेरे पास था। I would have lost everything I had. I would have lost everything I had. कह रहा है कि तो मैं वो सब खो देता जो मेरे पास था। I would have lost everything I had if अगर I hadn't done what I did, अगर जो मैंने किया मैं वो ना करता। Please मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। इस इंग्लिश में बोलेंगे Please try to understand my compulsion.
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्शन, प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर कंपल्शन मतलब मजबूरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्शन, प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैंने जो किया मैं वो करने के लिए मजबूर था। आई वॉज कंपेल्ड टू डू वॉट आई डिड, आई वॉज कंपेल्ड यानी मैं मजबूर था, आई वॉज कंपेल्ड टू डू करने के लिए वॉट आई डिड जो मैंने किया, आई वॉज कंपेल्ड टू डू वॉट आई डिड जो मैंने किया मैं वो करने के लिए मजबूर था। आपका आपका ऐसे में कुछ गलतियां हैं, तो इसने कोई ऐसे लिख के दिया है ऐसे तो चेक कर रहा है, कह रहा है कि आपका जो ऐसे है इसमें कुछ गलतियां हैं लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे योर ऐसे हैज सम मिस्टेक्स बट एज अ होल, एज अ होल मतलब कुल मिलाकर, बट एज अ होल लेकिन कुल मिलाकर इट इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। योर ऐसे हैज सम मिस्टेक्स, तुम्हारे ऐसे में थोड़ी गलतियाँ हैं लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा है, बट एज अ होल इट्स वेरी गुड, तुम्हें बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस, ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस यानी तुम्हें बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस। अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं तुरंत आ जाता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर इस लड़की ने बहुत देर इंतज़ार किया है, बहुत देर बाद आया क्योंकि इसे पता नहीं था यहाँ पर है। तो इससे कह रहा है कि इफ़ आई हैड नोन दैट यू आर यू वर हेयर, अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ हो, If I had known that you were here, अगर मुझे पता होता तुम यहाँ हो, I would have come at once, तो मैं तुरंत आ गया होता यानी तुरंत आ जाता। If I had known that you were here, I would have come at once, मुझे बताया गया था कि तुम कल आओगी, तो इसे किसी ने बताया था कि आज नहीं आएगी कल आएगी, तो इसलिए बोल रहा है कि मुझे बताया गया था यानी कि ये पैसिव वॉइस है। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे आई वॉज टोल्ड यानी कि मुझे बताया गया था, आई वॉज टोल्ड यू वुड कम टुमोरो कि तुम कल आओगी। वुड का यहाँ इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, कह रहा है ना कि आई वॉज टोल्ड मुझे बताया गया था, तो जब भी पास्ट में बात चलती है वहाँ पर हम विल का यूज़ नहीं करते वुड का करते हैं। आई वॉज टोल्ड मुझे बताया गया था यू वुड कम टुमोरो तुम कल आओगी, मुझे पता था कि तुम जा, ये कह रहा है कि मुझे पता है, सॉरी यहाँ पर है मैं जानता हूँ यानी कि मुझे पता है कि तुम जानना चाहती हो तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई। तो इसके पिता की मौत हुई थी तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं जानता हूँ तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो यू वॉन्ट टू नो हाउ योर फादर डाइड, आई नो यू वॉन्ट टू नो हाउ योर फादर डाइड, मुझे पता है तुम जानना चाहती हो तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई। आई नो यू वॉन्ट टू नो हाउ योर फादर डाइड, टॉम के यहाँ आने तक का इंतज़ार करो, तो टॉम को पता है इसके पिता की मौत कैसे हुई तो वो ये कह रहा है कि टॉम के यहाँ आने तक का इंतज़ार करो यानी वो आके तुम्हें बताएगा। वेट अनटिल टॉम कम्स हेयर, वेट अनटिल टॉम कम्स हेयर यानी टॉम के यहाँ आने तक का इंतज़ार करो, वेट अनटिल टॉम कम्स हेयर, मैं उसके आने तक का इंतज़ार नहीं कर सकती। तो जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो कि मैं उसके आने तक का इंतज़ार नहीं कर सकती, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट वेट टिल ही कम्स, आई कांट वेट टिल ही कम्स यानी मैं उसके आने तक का इंतज़ार नहीं कर सकती, आई कांट वेट टिल ही कम्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, तो इससे कह रही है कि मैं तुम्हें जान नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे ये ना बता देते कि उस रात हुआ क्या था, यानी जिस रात इसके पिता की मौत हुई थी, कह रही है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, आई वॉन्ट लेट यू गो, आई वॉन्ट लेट यू गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी तब तक जब तक तुम मुझे बता नहीं देते कि उस रात हुआ क्या था, नॉट अनटिल यू टेल मी वॉट हैपन्ड दैट नाइट। तो अगर हम इसे पूरे को एक साथ पढ़ें तो ये होगा आई वॉन्ट लेट यू गो नॉट अनटिल यू टेल मी वॉट हैपन्ड दैट नाइट, कह रहे कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी जब तक तुम मुझे बताना दो कि उस रात हुआ क्या था, आई वॉन्ट लेट यू गो नॉट अनटिल यू टेल मी वॉट हैपन्ड दैट नाइट। जब मैं उठा तो टॉम यहाँ था, इससे कोई टॉम के बारे में पूछ रहा है कि टॉम कहाँ है, तो कह रहा है कि जब मैं उठा यानी जब मैं सो कर उठा तो टॉम यहाँ था, टॉम वॉज हेयर व्हेन आई वॉक अप, टॉम वॉज हेयर व्हेन आई वॉक अप यानी जब मैं उठा तो टॉम यहीं था, टॉम वॉज हेयर व्हेन आई वॉक अप, उसके बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वेयर ही वेंट आफ्टर दैट, आई डोंट नो वेयर ही वेंट आफ्टर दैट यानी उसके बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वेयर ही वेंट आफ्टर दैट, मैं यहाँ आई थी इसे एक राज रखना। तो यहाँ ये अपने घर वालों से दुपक के आई यानी छुप के आई, तो कह रही है कि जिससे मिलना है उससे कह रही है कि मैं यहाँ आई थी इसे एक राज रखना यानी किसी को बताना मत, कीप इट अ सीक्रेट दैट आई केम हेयर, कीप इट अ सीक्रेट दैट आई केम हेयर, मैं यहाँ आई थी इसे एक राज रखना यानी सीक्रेट रखना, कीप इट अ सीक्रेट दैट आई केम हेयर, माफ़ करना कल मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सॉरी
आई डिडेंट गेट अ चांस टू टॉक विद यू यस्टरडे. आई एम सॉरी आई डिडेंट गेट अ चांस टू टॉक विद यू यस्टरडे. माफ़ करना, मुझे कल तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला. आई एम सॉरी आई डिडेंट गेट अ चांस टू टॉक विद यू यस्टरडे. मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा. आई नो यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी बैड. जब भी हम इस तरीके से कहते हैं कि तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, यानी पास्ट की बात चल रही है यहाँ पर, तो मस्ट के बाद हम हैव का यूज़ करेंगे. आई नो यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी बैड. मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा. यहाँ पर होगा देख के ये मत समझ लेना कि ये फ्यूचर में बात चल रही है, ये पास्ट में चल रही है. ये कल इससे मिलना आया था, ये इससे मिली नहीं, ये बेचारा बिना मिले चला गया. तो अब इससे कह रही है कि आई नो यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी बैड. मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही. और मैं आपको बता दूँ, लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेस थे वो हमने पुरानी वीडियोस के रिपीट किए हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे. मतलब जो हमने पहले पढ़ा है उसे भी ना भूलें, इसीलिए लास्ट में मैं 4 से 5 सेंटेंस रिपीट करता हूँ पुरानी वीडियोस के. सो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स.